हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अबूजर, आई एम करेंटली अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। गाइस, अगर तुम ड्रॉपर हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी ड्रॉप ईयर में इस 6 मंथ प्लान को इम्प्लीमेंट करके मार्क्स को 493 से 605 तक इम्प्रूव किया है। गाइस, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। क्या तुम अभी से स्टार्ट करोगे तो नीट क्रैक कर सकते हो? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहे होंगे। तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीना बचा है, अब प्लान क्या होना चाहिए? तो देखो गाइस, अगर तुम 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो और सोच रहे हो कि 6 मंथ में नीट क्रैक कर लें, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कोई झूठ बोल के तुमको बोल दे कि तुम 6 महीने में नीट क्रैक कर लोगे, 6 महीने पर के 700 मार्क्स ले आओगे, तो वहम में मत रहो। हाँ, अगर जनरली तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ। 6 मंथ में तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट होगा उसको तुम एक्सेप्ट करो और उसके बाद फिर ड्रॉप लेके करो। नेशनल लेवल का कंपटीशन कोई 6 मंथ में कैसे कर लेगा? हाँ, अगर तुम ड्रॉपर हो, अगर तुमने पहले पढ़ रखा है, तुमने 300, 400, 500 मार्क्स कर रखे हैं, देन डेफिनेटली पॉसिबल। तब तुमको एक प्लान वे चाहिए, तब तुमको 6 मंथ स्ट्रेटजी चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तुम नीट क्रैक कर सकते हो, इवन टॉपर बन सकते हो। तो ये ड्रॉपर के लिए है। 6 मंथ स्ट्रेटजी, 6 मंथ प्लान ड्रॉपर्स के लिए होता है या उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने साल भर मेहनत किया है। जो ड्रॉपर नहीं भी है फिर भी जो मेहनत करके अभी तक पढ़ रखा है, उसको 6 मंथ का स्ट्रेटजी चाहिए, उसको 6 मंथ का प्लान चाहिए, उसको शेड्यूल बनाना है कि अब 6 महीने में रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए होता है गाइस। तो मैं अपना बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ था कि नीट 2018 में मेरा 493 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे और मेरा रैंक उसमें 24,000 समथिंग था। मुझे तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे कॉलेज मिलने वाला है, बट मेरे सर, बहुत सारे काउंसलर्स ने कहा कि एंड तक कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें। सो मैंने काउंसलिंग करवाया, मैंने एंड काउंसलिंग तक वेट किया, अलॉटमेंट भी आया, काउंसलिंग में गया, बट लास्ट में क्या हुआ पता है? लास्ट जो मेरा कैटेगरी का, EBC कैटेगरी का जो कॉलेज अलॉट हुआ वो 500 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ और मेरा मार्क्स 493 था। जस्ट 7 मार्क्स से मुझे कॉलेज नहीं मिला। वो डिप्रेशन, वो प्रेशर, वो डिमोटिवेशन, समझ सकते हो? सो इतना डिमोटिवेट होने के बाद भी जब वो मंथ एंड ऑफ सितंबर था, अक्टूबर में मैंने प्रिपरेशन का सोचा और नीट में जस्ट 6 मंथ बचे थे और ये प्लान और ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके मैंने नीट में 493 से 605 स्कोर किया, 112 मार्क्स इंप्रूव हुआ जस्ट 6 मंथ में। सो यू कैन ऑल्सो डू, बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस रूटीन इन योर लाइफ और लग जाओ। 6 महीने के लिए एक रूम में बंद हो जाओ, फुल कॉन्सेंट्रेशन से फुल टाइम देखे, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। मैं अपना बताता हूं कि मैंने कैसे किया था। मैं जब आया, सबसे पहले मैंने सोचा कि बायोलॉजी पे फोकस किया जाए क्योंकि वो 50% ऑफ द सिलेबस है। 180 में 90 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ बायोलॉजी से, तो मैंने बायोलॉजी पे फोकस किया। बायो का जो मैंने पढ़ रखा था, सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मुझे ये 2 महीने के अंदर कंप्लीट बायोलॉजी खत्म करना है, टोटल 38 चैप्टर कंप्लीट करना है। वो मैंने कर लिया, रूटीन बनाया, 2 चैप्टर पर डे करना है, लॉन्ग चैप्टर 1 चैप्टर पर डे करना है। उससे मेरा जब बायोलॉजी कंप्लीट हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है मैंने क्या किया बायोलॉजी में? मैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। फिर से बायोलॉजी को पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाने में मुझे 15 डेज लगे गाइस। जिस टाइम मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा था ना, मुझे लग रहा था कि क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा 2 बार बायोलॉजी पढ़ लिया होता। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस पता मुझे कब पता लगा? जब नीट के लिए 1 महीना बच गया था, जब नीट के लिए 15 डे बच गए थे, जस्ट 1 डे बिफोर नीट।
लगा कि मैंने ये लाइफ सेवियर चीज कर लिया बायोलॉजी के लिए। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के और सिर्फ उस नोट्स को रिवीजन करके पता है बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए थे? 345 out of 360। सो तुम भी इंप्लीमेंट कर सकते हो उसको, तुम भी इस तरह से बायोलॉजी पढ़ो, डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। उसके बाद बताता हूं फिजिक्स में मैंने कैसे किया था। फिजिक्स में मेरे पास जो भी नोट्स था, जो भी मैंने क्लास से पढ़ रखा था, उसका पहले थ्योरी पढ़ा और उसके डेरिवेशन को खुद से ड्राइव किया। ये चीज मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि तुम डेरिवेशन खुद से ड्राइव करो, डेरिवेशन बार बार रिवीजन करो, फॉर्मूला भूल जाओगे, डेरिवेशन से तुम फॉर्मूला ड्राइव कर दोगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो गाइज, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट के चक्कर में मत रहो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट डेरिवेशन डिराइव करो, सीखो, फॉर्मूला तो अल्टीमेटली याद हो ही जाएगा, बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार फॉर्मूला अप्लाई करोगे, याद हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सीखो। वो जो कहता है ना कि फिजिक्स में घुमा के क्वेश्चन दे देता है, घुमाना उमाना कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन आएगा उसी डेरिवेशन से सॉल्व होगा। और फिर मैंने क्या किया कि फिजिक्स का लास्ट में एक फॉर्मूला कॉपी बना लेना है, क्योंकि फॉर्मूला याद तो होना ही होना है, ठीक है। मैंने जो बायोलॉजी का और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट्स बनाया था वो मैंने अपने दोस्त को दे रखा है, वो मैं लाऊंगा तो एक अलग सा वीडियो बना दूंगा कि कैसे मैंने नोट्स बनाया था, उसके अकॉर्डिंग तुम भी नोट्स बना सकते हो, वो भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। देन कम टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले फोकस अगर तुमको करना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक है, उससे तुमको बहुत सारे, जितना अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसका जो रिएक्शंस करोगे तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट मिलेगा, जो फ्री रेडिकल वगैरह है, इलेक्ट्रॉन्स है जो एक्ट कर रहा है, वो सब तुमको इनऑर्गेनिक के हेल्प से तुमको सॉल्व हो जाएगा। और मैकेनिज्म समझो, बात करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो मैकेनिज्म को समझो, मैकेनिज्म समझ के करो, प्रोडक्ट मत रटो, प्रोडक्ट रटने से कुछ नहीं होना है, तुमको मैकेनिज्म सीखना है, न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब कैसे होता है उसको समझो, अंडरस्टैंडिंग से समझो। ट्रस्ट मी, रिएक्शन मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने क्या किया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स हैं गाइस, फिजिक्स की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, और उसमें भी तुमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, तो फॉर्मूला का एक सेपरेट कॉपी बना लिया था और उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो भी डेरिवेशन वगैरह उसमें भी था फिजिक्स की तरह, और फॉर्मूला भी याद कर लिया, और उसके बाद उसको क्वेश्चन लगाओ, और इस तरह से जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तब तुम्हें क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चंस करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करो, जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने नोट्स बनाए, नोट्स रिवीजन करो, बुक रिवीजन जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करो, और क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन कितना गलत हो रहा है उस पे फोकस करो, जो गलत कर रहे हो उसको सॉल्व करो, जो तुमने सही कर लिया वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तुम कर लोगे, जो तुम गलत कर रहे हो वो तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट वीक है, उसको फोकस करो, वो तुम बार बार गलती करोगे, अगर अभी तुम नोट करके रख लेते हो और अगर अभी तुम कर लेते हो उसको तो मेन एग्जाम में नहीं करोगे वो गलती। और बात करें कि क्वेश्चंस कहां से लगाएं, तो गाइस मेरे टाइम में क्या था कि मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, मैंने उसके थ्योरी पढ़ा था, तो एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स नाम करके एक बुक आती है, मैंने उससे सारा क्वेश्चन किया था, एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन कर डाला, और जो गलती होता था, जो रॉन्ग करता था, उसको नोट करके, उसको मार्क करके, उसको बार बार सॉल्व किया, बार बार रिवीजन किया। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, अभी तो बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं, तुम कहीं से भी कर सकते हो, किसी ऑनलाइन बुक मंगाकर भी तुम कर सकते हो उसे सॉल्व। ऐसा नहीं है कोई और कोचिंग कुछ और दे देगा क्वेश्चन, बुक में कोई और क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी कोचिंग मटेरियल्स तैयार करता है ना तो उसको नीट का पैटर्न देख के ही करता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है, बस क्वेश्चंस लगाना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लेने से ये होगा ना गाइस, नीट के एग्जाम में तुम
ऐसा नहीं होता है कि तुम बैठ के जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, टिक करो, नहीं रहता उतना टाइम। जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व किया हुआ मिलेगा, जो तुमने सॉल्व कर रखा है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर दोगे वहाँ, तब टाइम बचता है। जब मैंने नीट का पेपर दिया था ना, 20 मिनट पहले मेरा सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका था, मैंने OMR भी फिल कर लिया था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। और लास्ट में एंड में क्या करना है, एंड में तुमको मॉक टेस्ट देना है, और बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। मैंने दिन में 3-3 मॉक टेस्ट सॉल्व किया, 2.5 घंटे के एनवायरमेंट बना के रूम में बैठ के 2.5-2.5 घंटे में 180 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 3-3 पेपर डेली दिया। इसको देने से क्या होता है ना कि जब नीट का एग्जाम आया ना, जिस दिन मेरा पेपर था, उस दिन मैं इतना ज़्यादा चिल था कि मैं लाइफ में किसी भी एग्जाम में उतना ज़्यादा चिल नहीं था। क्योंकि मुझे पता था नीट का पेपर देने से पहले ना, नीट का पेपर मेरे लिए एक और मॉक टेस्ट की तरह लग रहा था, कि मैं एक और मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। और अब वही हुआ, सॉल्व करने टाइम में भी वही फील हुआ, सॉल्व करके निकला तब भी वही फील हुआ। तो ये करना है तुम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन के बिना नहीं होना है। कितना भी थ्योरी रटते रह जाओगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, नहीं होगा रिजल्ट, नहीं आएगा मार्क्स, नहीं बढ़ेगा। इसीलिए क्वेश्चंस लगाओ, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, और नीट के प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट करो। और मैं जो भी बताऊंगा ना गए, जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ना, वही बताऊंगा। और वो करो, ये प्रैक्टिकल वे है, इसके करने से इम्प्रूवमेंट होता है, जो मैंने बताया है आज। सो आई होप यू ऑल विल इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। आई होप You all make it into your result. All the very best. Thank you.